लेकिन चलिए बाइबल से नम्रता सीखते हैं। हम जानना चाहते हैं कि नम्रता क्या है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि प्रभु के सामने नम्र हो, क्योंकि बाइबल के अनुसार नम्रता बहुत ही अद्भुत बात है। परमेश्वर दीन पर अनुग्रह करता है, घमंडियों का इनकार करता है। मुझे घमंडी नहीं होना है, प्रभु घमंडी का इनकार करता है। मैं तो प्रभु से और अनुग्रह चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए और आपको चाहिए। हमें प्रतिदिन और ज़्यादा अनुग्रह चाहिए। तो चलिए बाइबल में से देखते हैं और सीखते हैं कि नम्र होने का सच में विचार क्या है और नम्रता का मतलब क्या है। मेरे साथ देखिए गिनती अध्याय 12 और वचन 3 पढ़ते हैं। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। अब ये नम्र शब्द कुछ अनुवादों में कहा गया दीन था। मूसा बहुत नम्र था, पृथ्वी भर के सब मनुष्यों में वो सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव का था। बाइबल कहती है अब नम्र मतलब कमजोर नहीं, नम्रता कुछ और है। आप इसे देखेंगे क्योंकि मूसा तो सब मनुष्य में सबसे नम्र था, नम्र व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया उसके दिनों में। पुराने नियम के समय में मूसा वो परमेश्वर का महान दास था। देखिए 30 लाख लोगों को लेकर चलना आसान नहीं था, जो अविश्वासी थे, जो हीन भावना से भरे हुए थे, गुलाम थे, गुलामी से आए थे, जो सुपर पावर और उसके राजा के विरुद्ध में खड़े रहा, उन्हें बाहर निकाला, लाल समुंदर को विभाजित किया, उसमें से उन्हें चलने दिया, लाल समुंदर पार करके जंगल में आया और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर गया। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो व्यक्ति बहुत नम्र था उसने महान बातों को पाया, जो व्यक्ति सबसे नम्र था वही सच में सबसे महान हो गया। आप ये कह सकते हैं वो सबसे नम्र था लेकिन सबसे महान हो गया। यानी यहां पर वचनों में नम्रता महानता की ओर लेकर आती है। महान होने के लिए एक रास्ता है कि हम नम्र हो जाए। नम्रता ही महानता की ओर लेकर जाती। वो नम्र था लेकिन महान था। ये परमेश्वर का बहुत ही सामर्थ्य रीति से उपयोग किया गया था पुराने नियम में। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ये सारे काम वो वहां पर कर सका था। उसके साथ प्रभु की उपस्थिति और कृपा थी, उसके साथ और उस पर थी। यानी यह हमें बताता है कि नम्रता सच में क्या है। नम्रता महानता की ओर लेकर आती है। परमेश्वर नम्रता से प्यार करता है और वो इस व्यक्ति को योग्यता देते जाता है कि अपने से परे काम करे, अपनी योग्यता से परे, और जो कुछ वो करता है उसमें उसे सफल बनाता है। ये बाइबल का विचार है। चलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 में चलते हैं। चलिए नए नियम में चलते हैं और यहां पर नम्रता को देखते हैं। मत्ती अध्याय 11 वचन 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, कहता है। यहां भी नम्रता ये शब्द उपयोग हुआ है और मन में दीन ये शब्द आया। वो कहता है मैं नम्र हूं और दीन हूं सच में। कहता है आकर मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, ये कहता है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो पुराने नियम में मूसा के जैसे ही, देखिए अब यहां पर यीशु कहता है, यीशु के साथ कौन तुलना करेगा, वो सबसे महान था फिर भी वो सबसे नम्र था। वो कहता है आकर मुझसे सीखो, सीखो कि कैसे नम्र हो मेरे द्वारा, कहता है। घमंडी होने से बढ़कर नम्र व्यक्ति होने में ज्यादा बल लगता है। घमंडी लोग इस पृथ्वी पर सबसे कमजोर लोग होते हैं। घमंड और कमजोर एक साथ चलते हैं और नम्रता और बल एक साथ चलता है। यही तो बाइबल का विचार है। यानी हम नम्रता को देखना चाहते हैं, इसको और समझना चाहते हैं। हमने मूसा को देखा, यीशु को देखा, सबसे नम्र व्यक्ति लेकिन सबसे महान व्यक्ति। प्रभु ने सामर्थ्य उपयोग किया, प्रभु की कृपा उन पर थी और जो उन्होंने प्रभु से मांगा सब कुछ प्रभु ने किया। उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया, सारा जवाब पाया, प्रभु से जो भी विनती की उसका। प्रभु नम्र से प्यार करता है, ऐसे दिखता है। वो दीन पर अनुग्रह करता है, वैसे करता है, उन्हें योग्य बनाता है कि वैसे काम करे जो उसने काम करने के लिए बुलाया।
ठीक है, मेरे साथ में देखिए मत्ती अध्याय 20, यहां पर हम एक उदाहरण देखेंगे और हम इसे देखेंगे कि ये नम्रता कैसे काम करती है और ये नम्रता किस तरह से होती है, ये सब देखेंगे। ये नहीं कि आप क्या पहनते हैं, और ये भी नहीं कि आप कैसे कौन से घर में रहते हैं, ये भी नहीं कि आप फर्श पर सोते हैं या फिर आप बड़े बेड पर सोते हैं एयर कंडीशन के साथ, ऐसा कुछ नहीं। नम्रता क्या है, सच्ची नम्रता क्या है? अध्याय 20, मत्ती अध्याय 20 वचन 1 से आगे, यहाँ यीशु इसके बारे में अद्भुत कहानी बताता है। वो कहता है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है। गृहस्वामी यानी मकान मालिक या जमीन का मालिक, जो कि किसी चीज का मालिक है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। इन दिनों में हमारे गाँव में ये दिखता है, सुबह के समय यानी कटनी के दिन में लोग बाहर खड़े रहते हैं और लोग आकर उन्हें काम पर लेकर जाते हैं, अपने खेत में फसल की कटनी के लिए लेकर जाते हैं। वो उनसे बातें करते, दाम तय करते और फिर अपने खेत में मानो ट्रक में भरकर उन्हें लेकर जाते हैं। यानी उस चित्र की कल्पना करनी होगी। ये आदमी सुबह जाता है कि अपने दाख के बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। वो जाता है, दाम के बारे में कहता है और उनसे सहमति करता है। ये मानो कॉन्ट्रैक्ट के जैसे है, जो उपयोग हुआ यानी सहमत हुआ। वो सहमत हुए कि इसके लिए काम करे एक निश्चित दाम में, यानी दिन की मजदूरी के लिए एक दिनार, एक दिन के लिए एक दिनार। शायद आप सोचे कि ये बहुत ही कम होगा, उन दिनों में एक दिनार तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दिनार बहुत महंगा था, जो कि सामान्य मनुष्य के एक दिन की मजदूरी के बराबर था। और इसलिए जब स्त्री ने वो बहुमूल्य इत्र का पात्र तोड़ा, 300 दिनार का था, वो महंगा था, उन्होंने कहीं से बेचकर कंगालों को देते, क्योंकि 300 दिनार यानी 300 दिनों की मजदूरी, ये मानो एक साल की तनख्वाह के बराबर था। कल्पना कीजिए, एक साल की तनख्वाह से आप कोई परफ्यूम खरीद लेते हैं। उस स्त्री के पास में ये परफ्यूम ही नहीं था, लेकिन उसने उसे तोड़कर यीशु का अभिषेक किया और उसका आदर किया। इसलिए लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। यानी एक दिन की मजदूरी के बारे में ये कहता है। शायद कुछ लोगों को एक दिन के 1000 रुपए मिलते हैं और फिर कुछ लोगों को 10,000 मिलते हैं या उससे भी ज्यादा। तो इस तरह से आप सोचे, वो जाकर दाम तय कर लेता है, वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है एक दिन के एक दिनार के लिए। वो सहमत होते हैं, उन्हें दाख की बारी में भेजता है। फिर एक पहर दिन चढ़े, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। एक पहर चढ़े यानी इस व्यक्ति ने शायद जान लिया, लगभग सुबह 9 बजे, सुबह 6 बजे दिन शुरू होता है, सुबह 6 बजे दिन शुरू होता है, शाम के 6 बजे दिन पूरा होता है, यानी एक दिन में 12 घंटे काम था। 6 बजे जाकर उसने लोगों को लाया एक दिनार की मजदूरी में। 9 बजे उसने जाना कि ये लोग काफी नहीं होंगे, हमें और ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो वो बाहर जाता है और वहां अभी भी लोग खड़े थे, क्योंकि उन्हें किसी ने काम नहीं दिया, वो बेकार में खड़े थे। तो वो कहता, तुम यहां पर बेकार क्यों खड़े हो? और उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। वो वहां जाता है, यहां पर कोई सहमति नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई दाम तय नहीं किया गया है। वो बस उनसे कहता है कि क्या तुम्हें काम नहीं मिला? तुम आकर मेरे लिए काम करो, जो सही है वो दाम तुम्हें दूंगा, जो मेरे लिए सही है वो दूंगा। अब देखिए, इन लोगों के लिए खुशी की बात थी कि उन्हें कोई काम मिल गया, क्योंकि कोई आशा नहीं थी। जिन लोगों को काम मिलना था वो काम पर चले गए थे, ये वहां पर खड़े थे और 3 घंटे बीत गए, अब देरी हो चुकी है, जो काम था वो सब बढ़ गया था। उन्हें लगा कि वो भाग्यवान है कि इस व्यक्ति ने उन्हें कोई काम दिया है। तो उसने कहा, तुम आकर काम करो, जो भी सही होता है मैं तुम्हें दूंगा। तो उस वक्त उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें एक दिनार दूंगा, दाम नहीं कहा, वो कहता आकर काम करो। और उन्हें सौभाग्य महसूस हुआ कि वो काम करें, कि कम से कम उन्हें दिन में कुछ काम मिला है, शाम को वो अपने घर में कुछ न कुछ पैसा लेकर जाएंगे। तो वो जाने को तैयार थे, बिना कोई दाम के बारे में कहे जाने को तैयार थे। ये कहानी आपके लिए बहुत ही जीवित हो जाती है। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसे ही किया। ये है वचन 5, यानी वो दोपहर के 12 बजे गया, क्योंकि शायद उसने देखा कि ये लोग काफी नहीं होंगे, हमें और ज्यादा लोग लाना चाहिए। तो 12 बजे जाकर वो लोगों को लेकर आता है। आधा दिन बीत जाने के बाद, यानी वो लोगों को काम पर लेकर आता है, और फिर बाद में दोपहर के 3 बजे, जबकि दिन के खत्म होने के लिए 3 घंटे ही बाकी थे, उसने जाना कि कुछ और लोग होंगे तो काम जल्दी खत्म होगा। तो वो जाता है, वो बाहर जाकर और भी लोगों को काम पर लाता है, ठीक है। तीसरे पहर और फिर
वचन 6 कहता है, एक घंटा दिन रहे, मुझे लगता है यहीं पर तो यीशु इस कहानी को बना रहा है, क्योंकि वो कुछ मुद्दा बताना चाहता था। ये तो वास्तविकता की बातों से अवास्तविक हो जाता है। यहाँ पर वो एक मुद्दा बताना चाहता है और इसीलिए जानबूझकर कहता है, एक घंटा दिन रहते, यानी बस एक घंटे का काम बाकी रह गया था। वो लोगों को काम पर लाता है, यह ऐसे नहीं होता है। आखिरी एक घंटा, यानी यहाँ पर ये जो गृहस्वामी है वो जाता है और कुछ लोगों को काम के लिए लेकर आता है। दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। तो कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। यानी जब उसने लोगों को काम पर लाया, सुबह 6 बजे, 9 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम के 3 बजे और शाम के 5 बजे भी लाया, जबकि 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, आखिरी एक घंटे के लिए काम पर लाता है। वो उन्हें बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट या सहमति से काम पर लाता है, दाम तय नहीं किए गए। उसने कहा, आकर काम करो और जो सही है मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, अब वचन 7, उन्होंने कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, जो ठीक है वो तुम्हें दूंगा। सांझ को दाख की बारी के, यानी शाम के समय, दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। इस तरह से उसने कहा। अब यहां पर यीशु सच में इस कहानी का सार बताता है कि वो ये मुद्दा बता सके, मैं देख सकता हूं, क्योंकि यहां जो दाम देना है वो तो सबसे आखिरी में काम करने वाले को पहला दिया गया और उसके बाद में फिर पहले को दिया जानबूझकर। और फिर यहां कहता है, वचन 9 कहता है, जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो आखिरी एक घंटा काम करने के लिए आए थे उनमें से हर एक को एक एक दिनार मिला, जो कि दिन भर के काम करने के लिए तय किया गया था। सभी को एक एक दिनार मिला, यानी वो खुश हो गए होंगे। मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं। बाइबल पढ़ते समय आप कल्पना कीजिए, ये भारत के जैसे ही है, समय बदल गया है लेकिन लोग नहीं बदले। दिन की तनख्वाह पाने के लिए लाइन में लगकर खड़े होंगे, और जानते हैं भारत में ऐसे करते, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है वो झांक कर देखता है कि देखे कि दूसरे को कितना मिल रहा है। यानी जो व्यक्ति वहां पर उसके पीछे में खड़ा था वो उसे कहता है, देखो इसे एक दिनार मिला, एक दिन के काम के लिए एक दिनार, एक घंटे के काम के लिए एक दिनार मिला। और ये खबर पीछे आखिरी व्यक्ति तक ऐसे पहुंच जाती है, वो जो लाइन में 150वें नंबर पर खड़ा है उसे खबर मिलती है, एक दिनार दिया। तो वो सीधा सामने आ जाता है और सामने वाले व्यक्ति से ये पूछता है, उन्होंने तुम्हें कितना दिया? वो कहता है, एक दिनार, मुझे दिखाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो दिखाता है कि उसे कितना मिला है। तो ये पूरी खबर लाइन में फैल जाती है, इन्हें एक दिन की मजदूरी मिली है, एक दिनार, एक घंटा काम करने के लिए। ये बहुत अच्छा है, और इसके कारण दिन भर काम करने वालों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि ओ मेरे प्रभु, अगर एक घंटे के काम के लिए पूरे दिन भर की तनख्वाह देता है, तो हमने दिन भर काम किया है तो हमें ज्यादा की अपेक्षा करनी है। तो आइए अगले वचन में पढ़ते हैं, जो पहले आए उन्होंने, यानी जिन्हें सुबह सुबह काम पर लाया गया था, उन्होंने ये समझा, यानी उन्होंने ये सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। निराश करने वाला था। उन्होंने देखा कि इन्होंने केवल एक घंटा काम किया और इन्हें एक दिनार मिली, जो कि एक आदमी की एक दिन की मजदूरी थी। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, अगर इन्हें इतना मिला तो फिर मुझे कितना मिलेगा? मैंने उनसे 12 गुना ज्यादा काम किया है, 11 गुना ज्यादा काम किया, मुझे 11 गुना ज्यादा मिलना चाहिए। तो वो जाते हैं और देखिए, उन्हें भी बस एक ही दिनार मिलता है, और ये बहुत ही निराश करने वाला था। वचन 11, जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया, एक घंटा यानी बस एक घंटा ही काम किया, और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही, यानी हमने भार उठाया और दिन भर धूप में काम किया, तुमने हमें उनके बराबर किया, ये तो पूरा अन्याय दिखाई देता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कैसे उसका अनुग्रह, क्योंकि देखिए मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूं कि आपको ये समझाऊं, तभी आप अनुग्रह को अच्छे से समझेंगे। वो कहते हैं ये अन्याय है, और फिर वो जो गृहस्वामी था उसने उन्हें उत्तर देकर उनसे ये कहा, हे मित्रों, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने ही मुझसे एक दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा, मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूं?
क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इस रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे, क्योंकि बहुतों को बुलाया गया लेकिन बहुत ही कम है जो चुने गए हैं। तो वो उससे कहता है कि शिकायत नहीं करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ में सहमति की है कि मैं इतना दूंगा, एक दिन के लिए एक दिनार, और एक दिनार मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मैं उदार हूं। जिसने एक घंटे के लिए काम किया उसे मैं उतना ही दे रहा हूं जितना तुम्हें दे रहा हूं। इससे तुम परेशान क्यों हो? तुम अपना काम करो, जो कुछ सहमति किया गया था उसे ले लो और चले जाओ। मैं उन्हें और ज्यादा देना चाहता हूं क्योंकि मैं उदार हूं, मैं देना चाहता हूं, तुम्हें क्या समस्या है? और आखिर में वो ये कहता है कि इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये पूरी कहानी अनुग्रह और कामों के बारे में, मैं ये विश्वास करता हूं। ये आखिरी वचन जो कहता है जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे, ये इस कहानी की समझ के लिए चाबी है, क्योंकि ये कहानी 19वें अध्याय से आगे बढ़ती है। 19वें अध्याय में इसका अंतिम वचन तो इस तरह से, यही तो वचन है, बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे, 19:30। और फिर इस बात को साबित करने के लिए ये रब्बी का तरीका था, जो कि यहूदी शिक्षक थे, जब वैसा कुछ वाक्य कहते जो महत्वपूर्ण वाक्य था तो तुरंत वो एक दृष्टांत बताते और समझाकर बताते कि ये कैसे सही है। यानी यहां वो कहता है जो पहले है वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे, यहां पर इसे समझाकर बताता है। ये कहानी जो अभी मैंने आपको समझाकर बताई है, ये उदाहरण के रूप में आती है। जब वो इस सिद्धांत को बताता है तो फिर से वो इसके बारे में कहानी बताता है, सिद्धांत बताता है उदाहरण देने के बाद। यानी ये समझ की चाबी है 19वें अध्याय में क्या है और किस संदर्भ में उसने ये कहा, किसके बारे में उसने ये कहा कि पिछले पहले होंगे और पहले पिछले होंगे। जी, आप 19वें अध्याय में जवान धनी सरदार की कहानी पढ़ते हैं। ये दिलचस्प कहानी है। ये जवान धनी सरदार तो बहुत ही धार्मिक ऐसा व्यक्ति था, यहूदी धार्मिक व्यक्ति था, और वो यीशु के पास आता है, अनंत जीवन पाना चाहता है। वो कहता है मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना जरूरी है। अब ये सवाल अपने आप में गलत था, ये सच्चाई को झूठा ठहराता है कि वो अपने खुद के कामों पर विश्वास करता है, अपने कामों पर भरोसा करता और परमेश्वर के सामने खड़े रहने की खुद की योग्यता पर है कि कुछ हासिल करे। वो कहता है मुझे क्या करना चाहिए, उसकी पूरी बुनियाद गलत है। सब कुछ अपने कामों पर आधारित रखता है, कहता है मुझे क्या करना है, उद्धार ऐसा है जिसे पाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, ये उसने सोचा था। तो वो कहता है मुझे क्या करना है, उसका पहला सवाल ही उसके अनजान होने के बारे में बताता है, अनुग्रह के बारे में और परमेश्वर ने क्या किया है इसे वो नहीं जानता है। तो यीशु उसकी ओर देखकर कहता है खैर तुम्हें क्या करना है तो मैं बताता हूं, 10 आज्ञाएं पढ़ो और जो 10 आज्ञाएं कहती उसे करते जाना। तब ये जवान कहता है जो कुछ 10 आज्ञाएं में लिखा है मैंने उसे किया है, अपने बचपन से करते आया हूं, बचपन से 10 आज्ञाओं को मानते आया हूं, 10 आज्ञाओं के अनुसार मैं जी रहा हूं। और ये तो झूठ था, क्यों? क्योंकि 10 आज्ञाएं इसलिए नहीं दी गई थी कि इसे करते हुए मनुष्य पूरी तरह से सफल हो जाए। अब जवानों को यह समझना होगा, जब आपके सामने परीक्षा रखी जाती है तो आपको फेल करना नहीं चाहते, वो आपको पास करना चाहते हैं। अगर सब फेल हो जाए तो जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया शायद उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि शायद उसने सही तरीके से नहीं सिखाया, जानते हैं, यानी कुछ न कुछ गलत हुआ होगा। वो परीक्षा देते हैं कि आपकी योग्यता को परखे उस क्षेत्र में कि जो कुछ सिखाया गया कि आप उसे समझे या नहीं। परीक्षा का उद्देश्य कभी लोगों को फेल करने के लिए नहीं होता है, लेकिन ये जांचना है कि आप कितना समझ चुके हैं। लेकिन 10 आज्ञा ऐसी परीक्षा थी जो परमेश्वर ने दी कि निश्चित कर ले कि सब फेल हो जाए। ये कभी इसलिए नहीं दी गई कि सब इसे करे और इसमें सफल हो जाए, ये मुद्दा नहीं था। प्रभु इसराइलियों को ये बताते हुए साबित करना चाहता था कि कोई भी अपने आप में धर्मी नहीं हो सकता है, कोई व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं हो सकता, कोई परमेश्वर के सामने इस तरह से नहीं जी सकता है कि उन्हें स्वीकार किया जा सके। और सभी मनुष्य तो पापी हैं और कोई परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता, अपने खुद के कामों के द्वारा प्रभु के सामने खड़े नहीं रह सकता कि कहे कि मैं शुद्ध हूं, मैं अच्छा हूं और इसलिए मुझे स्वीकार करो, कोई नहीं कह सकता है। ये साबित करने के लिए 10 आज्ञाएं दी गई थी और ये 10 आज्ञाएं अच्छी थी, ये पवित्र थी, पौलुस जैसे कहता है ये अच्छी और पवित्र थी अगर इसे जिए। लेकिन बात यह है कि इसे नहीं कर सकते थे, कोई भी मनुष्य इसके द्वारा अपना जीवन नहीं जी सकता था, ये ऐसी ही बनाई गई थी। मैंने पहले इसके बारे में विस्तार से बताया है,
पहली नौ आज्ञाएं क्या करना और क्या नहीं करने के बारे में हैं, ये बाहरी क्रियाओं के बारे में, लेकिन दसवीं आज्ञा में बड़ा जाल है, ये भीतरी दशा के बारे में है कि तू लालच न करना। ये ऐसी बात नहीं जो आप करते हैं या नहीं करते, ये तो ऐसी बात है जो आपके दिल में हो रही है। तू लालच न करना, ये इसके बारे में है कि आप क्या सोचते हैं, कि आप कैसे सारी बातों में प्राथमिकता देते हैं, या आपके दिल की दशा के बारे में है, आपके बाहरी क्रियाओं के बारे में नहीं। यानी ये इसी तरह से बनी है, आप नौ में पास हो सकते हैं, अच्छे लोग, बहुत से लोग नौ में पास होंगे, 90% मिलेंगे, लेकिन 90% तो फेल के मार्क हैं। परमेश्वर के कॉलेज में आपको 100% लेने हैं, क्योंकि याकूब अध्याय 2:10 कहता है, अगर एक में फेल हो गए तो सब में फेल हो गए। जानते हैं मैंने कहा कि ये पुराने SSLC के जैसे है, हम में से कुछ लोगों ने इसे लिखा है, एक में फेल हो गए तो सब में फेल हो गए। और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने SSLC की परीक्षा 6 या 7 बार लिखी है, वो एक में फेल हो जाते, फिर बड़ी पढ़ाई करते और फिर उसके बाद में फिर से लिखते और किसी दूसरे विषय में फेल हो जाते अगली बार, और फिर उसके अगली बार तीसरे विषय में फेल हो जाते। प्रभु का धन्यवाद, हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। इन सारे पेपर्स को 6 बार लिखने के बजाय अभी आप 6 बार एक एक पेपर देकर आप पास हो सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये इतना आसान किया गया है। लेकिन बात तो ये है, 10 आज्ञाएं इस तरह से बनाई गई थी कि सभी मनुष्य फेल हो जाएंगे। क्यों? ये ऐसा बनाया गया था कि असफल हो तभी परमेश्वर की जरूरत वो महसूस करेंगे। केवल तब वो ये जानेंगे कि हालांकि परमेश्वर की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी उनके दिल में कुछ ना कुछ तो गलत है। और दिल को सही करने के लिए, उसे पूरी तरह से बदलने के लिए आपको परमेश्वर और नया जन्म चाहिए और पवित्र आत्मा का काम चाहिए कि दिल बदले। तो बात यही है कि वो जानेंगे कि उनके दिल के कारण वो इसे पूरा करने में चूक गए हैं। तब परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर उद्धारक भेजेगा और फिर यीशु के आने की जरूरत को वो यहाँ पर महसूस कर पाएंगे कि वो क्रूस पर मरे ताकि इसके द्वारा कि उनके पाप क्षमा किए जाए और पवित्र आत्मा आकर उनके भीतर में वास कर सके और जो प्रभु कहता है उसे करने में मदद कर सके। क्योंकि वो अपने आप में इसे नहीं कर सकते हैं, प्रभु की मदद से ही उन्हें करना होगा कि परमेश्वर उनमें वास करे और उन्हें सामर्थ्य दे। Forever.